का वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, प्रवासी श्रमिकों की भावनाओं से खेलना, उत्तर प्रदेश सरकार को अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। कायदे से तो महामारी के संक्रमण काल में सभी को सरकार की सहायता में आगे खड़े होना चाहिए था, मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति में सरकार के सकारात्मक कार्यों के प्रति अपनी सहमति दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने गुमराह करने का काम किया। और आज जानकर ताजुब तो तब हुआ जब धपोल संघ की घोषणा के अंतर्गत उनके कपोल कल्पित लिस्टों में नाम आए, कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? आप इन सूची से आप स्कूटर से सबको लेकर आएंगे क्या? ई रिक्शा से आप लेकर आएंगे क्या? आप एम्बुलेंस से सारे लोगों को भरकर लेके चले आएंगे क्या? इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी का काम, जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार को भ्रम में डालने का षड्यंत्र, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। और समय समय पर ट्विटर पे हास्यास्पद टिप्पणी करने वाले लोग मैदानी हकीकत से वाकिफ नहीं है। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेन आई है 650 के आसपास, 900 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 650 ट्रेनें आ चुकी हैं, 10 लाख के आसपास लोग ट्रेन के माध्यम से आ चुके हैं, 12,000 परिवहन की जो UPSRTC की बसें हैं वो लगी हुई हैं, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि 6 लाख लोग बसों के द्वारा अपने गंतव्य को पहुंच चुके हैं। इन सारे चीजों के अलावा अपनी सुविधा को देखते हुए, हमारे प्रवासी श्रमिकों की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार से, चाहे वो निजी बसें हों, सरकारी बसें हों, या स्कूल के बसों को अधिकृत किया गया हो, 200 बसें प्रत्येक जिले में बॉर्डर पर जिलाधिकारियों को के सुपुर्द उनके सुपुर्दगी में रखी गई कि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग हो। शायद पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था कहीं भी सुनिश्चित नहीं हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जो आगे की भी सोचती है और जो वर्तमान में भी बेहतर करने पे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर रही है। कांग्रेस का काम है व्यवधान डालना, कांग्रेस का काम है गुमराह करना, लोगों की भावना को भड़काना, ये आपराधिक कृत्य है। और कांग्रेस ऐसा करके ये उत्तर प्रदेश की में कार कर ली तो प्रियंका जी ने धन्यवाद दिया है कि आपने हमारी पेशकश स्वीकार की। अब मैं छोड़ देता हूं इस बात को कि लखनऊ में धन्यवाद किसको देना चाहिए था, जिसको पेशकश करके दिया गया या जिसकी पेशकश स्वीकार हुई। उधर से नहीं आया, इधर से गया, नीयत हमारी साफ, नीत हमारी साफ। अब ये पत्र है, क्या कहा जा रहा है, जगह का नाम दे दीजिए जहां बसें खड़ी थी। बॉर्डर का नाम दे दो। आगरा मथुरा में एक जगह है, राजस्थान बॉर्डर है, ऊंचा नागला, और ये वीडियो है साहब, चला दें, थोड़ा सा चला के देख लीजिए, चला दो भैया। ये बसें खड़ी, क्यों है बिहार के इतने श्रमिक बाहर क्यों है? 60 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया है उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में, और उन्होंने केवल बेरोजगारी दी है। बेरोजगारी के कारण आज जिस प्रकार से योगी सरकार में इन
श्रमिकों को लाने के बाद में केवल इनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, हम इनकी स्केलिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो श्रमिक आए हैं उन श्रमिकों को हम रोजगार मुहैया करा सकें, उनके बाद में यहां पर रहने के बाद में उनका जब क्वारंटाइन का कार्यकाल पूरा हो जाए तो हम कैसे उनको रोजगार में लगा सकें, इसकी स्केलिंग भी हम करा रहे हैं। ये सारी चीजें विपक्ष को देखना विपक्ष के लिए संभव नहीं बना। किसी भी प्रकार की घटनाओं पर दिग्भ्रमित करने का कार्य जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि महामारी के संक्रमण काल में इनके द्वारा किया जाने वाला सबसे क्रूर मजाक है। ये इस भारत की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में आज उन्होंने जिस प्रकार से घोषणा करी थी कि 1000 बसें आएंगी, अगर आप देखें तो लिस्ट में तो अभी तमाम चीजें भी हमारे आना बाकी है। आप अगर देखें तो इन्होंने लिस्ट भेजा मिस्टर इरशाद के पास में क्या है, 3-व्हीलर। उन्हें पता चला कि रतन सिंह क्या है, ऑटो रिक्शा है। उसके बाद आप भेज रहे हैं गोविंद सिंह के पास क्या, टेम्पो ट्रम्प पैसेंजर है। अगर दिखाएं सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार की चीजें भेजी हैं। आप देखो भेजा है पुष्पेंद्र और इनके पास ऑटो रिक्शा है। इस तरीके से ना जाने कितने लोगों को भेजकर इस एक प्रकार का चिट्ठी को उन्होंने समझा था इसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सावधानी बरत रही है एक सुरक्षित यात्रा के लिए। और उस सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानी बरतने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने इंतजाम किए हैं कि कोई भी बगैर परमिट की गाड़ी ना आवे, इनकी गाड़ियों में तो एक एक गाड़ी दो दो जगह, कुछ गाड़ियां तो दो दो जगह रजिस्टर्ड पाई गई, तमाम गाड़ियां ब्लैकलिस्टेड हैं। आप क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश को क्या यह दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की फर्जी सूची के आधार पर हम दिग्भ्रमित करके आप कौन सी सिंपैथी देना चाहते हो? यह संक्रमण काल है, यह संक्रमण काल सिंपैथी का काल नहीं है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, जैसा मैंने बताया कि 900 के आसपास ट्रेनें हमारे वहां पे आ रही हैं, 650 ट्रेन आ चुकी हैं, हमारी जो बसें हैं 12,000 परिवहन की बसें लगाई गई हैं जो UPSRTC की, और उसके अलावा 12,000 बसों के अलावा हर जिलाधिकारी का 75 आप जिले मान लें तो 75 के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 15,000 बसें तो हमारी जिलाधिकारियों के सुपुर्द हैं। इतनी सारी व्यवस्था व्यापक तौर पर आज से नहीं, हम कई दो जब से मार्च से हमारा लॉकडाउन मार्च में लागू हुआ है तब से इन प्रकार की व्यवस्थाओं को हम कर रहे हैं, हमने अग्रणी भूमिका अदा की है। आज ये जानकर दुख हुआ कि कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का प्रलाप जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए